गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। इस चैप्टर में पहले हम सीखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट का पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन एक फुल फ्लेज हम क्वेश्चंस करेंगे फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट्स के साथ। अभी तक जितना भी हमने पार्ट कंप्लीट किया है वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग किया बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जर्नल में और प्रीलिमिनरी बुक्स में, और उसके बाद जो बिजनेसमैन था उसने लेजर्स बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस से ये डिटरमाइन किया कि जो बुक्स उसने मेंटेन की है उसमें एक्यूरेसी कितनी है। एट द एंड ऑफ द ईयर हर एक बिजनेसमैन जो जानना चाहता है दैट इज़ उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर डेट पर। तो ये डिटरमाइन करने के लिए फाइनल अकाउंट्स उसे बनाने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ईयर के एंड में बिजनेसमैन बना रहा है ये असर्टेन करने के लिए कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है। इसमें हम मेनली किन किन अकाउंट्स को इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ये असर्टेन करने के लिए कि बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बिजनेस से जो हुआ। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन P&L अकाउंट के लिए जो आइटम रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसे जानने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है? अगर आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे, सम ऑफ गुड्स परचेज्ड जो आपने गुड्स परचेज की हैं और जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके टोटल से, तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच का उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, और अगर उल्टा है तो उसे हम ग्रॉस लॉस कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम किस एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम उन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं जो आप इंकर्ड कर रहे हो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसे सेलेबल करने के लिए और उसे ट्रेडिंग प्लेस पर लाने के लिए। अब जो एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं या जो एक्सपेंसेस आप P&L अकाउंट में लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे आपको पता चलता है? सपोज़ कोई एक्सपेंस है और आपको ये पता करना है कि वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या P&L अकाउंट में आएगा, तो एक रूल जो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है वो ये क्या कि आपका वो जो एक्सपेंस है वो कहाँ पे इंकर हो रहा है, वो क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हुए इंकर हो रहा है या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद जब गुड्स चली गई हैं उन्हें सेल करने के लिए इंकर हो रहा है। अगर वो इंकर हो रहा है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो उस एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं और उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अगर वो इंकर नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ और तरीके का और नेचर का जो है वो एक्सपेंस है, तो उसे हम P&L अकाउंट में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू GR बैटली बॉय, ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या बताता है? रिजल्ट जो भी आपने बाय और सेल की है गुड्स उसका। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हो तो जो जर्नल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हैं उनको हम इग्नोर करते हैं और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो गुड्स से रिलेटेड है। तो डेफिनेशन में जैसे कि हमने कहा कि ट्रांजैक्शंस जो गुड्स से रिलेटेड है सिर्फ उन्हीं को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, परचेजेस, परचेजेस रिटर्न, एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू ट्रेडिंग प्लेस, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। फिर इन सब एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद ईयर एंड में आप ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो है वो कंसर्न ईयर के लिए असर्टेन करते हैं। नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है ट्रेडिंग अकाउंट की? सबसे पहला
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प करता है ट्रेडर को ये जानने में कि उसे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी उसने गुड्स परचेज की हैं या सेल्स की हैं गुड्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इस प्रॉफिट को वो कंपेयर कर सकता है अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के साथ कि टोटल सेल्स के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया, और उसके अकॉर्डिंग कंपैरेटिव स्टडी करके वो फ्यूचर्स के लिए प्रेडिक्शंस कर सकता है। देन नेक्स्ट इज योर कंप्लीट नॉलेज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आप इंकर कर रहे हो फॉर परचेजिंग द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग दी गुड्स और मेकिंग दी गुड्स रेडी फॉर सेल्स, इन एक्सपेंसेस को हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो कंपैरिजन आप इन एक्सपेंसेस का प्रीवियस ईयर्स के साथ कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना जो टोटल सेल्स का परसेंटेज है उन एक्सपेंसेस का है, और उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। देन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की जो आप शो करोगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पर, कंपैरेटिव स्टडी आप करके ये जान सकते हो कि आपका जो स्टॉक है वो ज़्यादा है या कम है और उसके ज़्यादा या कम होने के क्या रीजंस हैं। देन हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और जो आपको पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स फॉलो होते हैं कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उन्हें आप डेबिट साइड पे शो करेंगे, और जो भी आपकी इनकम और गेन्स हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी आइटम्स आती हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेबिट साइड की बात करते हैं, वहाँ पे हम शो करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि कितनी गुड्स से आपने शुरू किया ये वाला ईयर। लास्ट ईयर में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, और इसे हम शो करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कोई नया बिजनेस है तो उसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, वो उसकी तो सीधी परचेजेस आएंगी। लेकिन अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उस केस में उसका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका ओपनिंग स्टॉक क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। देन नेक्स्ट जो आइटम आती है दैट इज परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न। यहाँ पे हम परचेजेस लिखते हैं और परचेजेस में से हम परचेजेस रिटर्न्स को माइनस करेंगे। तो जो भी गुड्स आपने परचेज की हैं उसे हम परचेजेस में लिखेंगे, और उसके बाद जो भी परचेज रिटर्न हुआ है वो यहाँ पर शो करते हैं। अब परचेजेस में क्या, परचेजेस कैश है या क्रेडिट है, दोनों परचेजेस को आप यहाँ पे लिखते हैं। अब जो गुड्स आपने परचेज की हैं और उन्हें रिटर्न किया है वो हम परचेजेस में से माइनस करते हैं। इसके अलावा और परचेजेस में से क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं, परचेजेस रिटर्न, गुड्स अगर आपकी डिस्ट्रॉय हुई है बाय फायर या एक्सीडेंट, या गुड्स इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, या प्रोप्राइटर ने गुड्स यूज़ किए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इन्हें हम डिडक्ट करते हैं परचेज से, और जो बैलेंस अमाउंट है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि एक्सपेंसेस जो आप इंकर कर रहे हो गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए और उन्हें सेलेबल कंडीशंस में बनाने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑक्ट्राई एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। ऑक्ट्राई आप जो पे करते हो गुड्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आप करते हो तो उसे हम ऑक्ट्राई कहते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी होती है अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को अवॉइड करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं गुड्स का, और उसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करेंगे। देन फ्राइट एंड कैरेज और कैरेज इनवर्ड, जो भी एक्सपेंसेस आपके फ्राइट पे लगे हैं, कैरेज पे लगे हैं, गुड्स को ट्रेडिंग प्लेस तक लाने के लिए लगे हैं, उन्हें हम
डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे। यहाँ एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, दैट इज फ्राइट एंड कैरेज जो आप पे कर रहे हो, अगर वो इनवर्ड हो रहा है तभी वो यहाँ पे शो होगा। अगर फ्राइट या कैरेज आउटवर्ड है तो उसे हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। इनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने परचेज किया है गुड, और गुड्स को जब आपने परचेज किया तो जब आप उसे लेके आए हो अपनी बिजनेस में, अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ तक, तब आपने जो खर्चा दिया। आउटवर्ड हो जाएगा तो इसका मतलब कि कस्टमर जब गुड्स लेके जा रहा है, सेल्स गुड्स की हो चुकी है, वो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कैरेज इनवर्ड पर जो हमारा कैरेज लगा है उसे हम यहाँ पर शो करते हैं। देन आता है डॉक चार्जेस। फ्राइट एंड कैरेज और कैरेज इनवर्ड हो गया, देन डॉक चार्जेस। कई कंट्रीज से जब आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स तो वो डॉक्स पर थोड़े टाइम के लिए रहती हैं। डॉक्स का मतलब बंदरगाह जिसे आप कहते हो, और ट्रेडर को गुड्स वहाँ से उठाने के लिए कुछ रेंट पे करना पड़ता है, तो उस रेंट को हम डॉक चार्जेस कहते हैं। देन वेजेस, वेजेस जो आप अपने लेबरर्स को पे कर रहे हो गुड्स को ट्रेडिंग प्लेस पर लाने के लिए या उनको बनाने के लिए, तो उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या कि अगर आप वेजेस पे कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स को लाने के लिए, तो उन्हें हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, उसे हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। और इसमें एक चीज़ और कि अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, इकट्ठा दिया है क्वेश्चन में, तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। लेकिन अगर उल्टा लिखा है, अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है, तो उसे हम पी एंड एल अकाउंट में शो करते हैं। अगर स्पेसिफिकली लिखा है फैक्ट्री वर्ड अगर आगे आ गया है कि फैक्ट्री वेजेस है, या फैक्ट्री का कोई भी अगर इन फैक्ट्री वेजेस है, तो बट ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसके अलावा अगर कुछ और भी एक्सपेंस दिया हुआ है और उसके आगे फैक्ट्री वर्ड यूज़ हो गया है, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग हो गया है या फैक्ट्री रेंट हो गया है, तो वहाँ फैक्ट्री वर्ड आ गया, तो उसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो करते हैं। देन मोटिव पावर, कोल, गैस, फ्यूल एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस जो आप पे कर रहे हैं मोटिव पावर, फ्यूल एक्सेट्रा पे, कोल, गैस पे, जो यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, उसे भी हम यहाँ इंक्लूड करते हैं, और इन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब आप किसी की कोई राइट यूज़ कर रहे हो और उसके लिए उसे जो आप पे कर रहे हो रेंट की फॉर्म में, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। जैसे एक पर्सन अगर माइंस खोद रहा है और उसके लिए वो रॉयल्टी पे करेगा जो ऑनर है माइंस का उसे, सेम तरीके से जो पब्लिशर है बुक्स का वो रॉयल्टी पे करता है राइटर ऑफ बुक्स को। तो देन अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जो भी रिलेटेड हैं गुड्स से और इनकर आपने किए हैं ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, जैसे इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्रा। देन आते हैं क्रेडिट साइड की आइटम्स पर। क्रेडिट साइड में हम क्या क्या शो करते हैं, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों, कैश और क्रेडिट सेल्स जो आपकी इंक्लूड हुई हैं दोनों को हम इंक्लूड करते हैं सेल्स में, और उस सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, तो जो हमारा नेट सेल्स हैं वो हम शो करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देन क्लोजिंग स्टॉक, जो भी गुड्स आपका अनसोल्ड पड़ा है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और उसे भी हम शो करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। अब इसकी एडजस्टमेंट की अगर बात करें, तो नॉर्मली अगर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इसका मतलब वो एज अ एडजस्टमेंट गिवन है। जब हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें गिवन है हम उनसे बनाते हैं, या उसके बाहर अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो हम उससे बनाते हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस गिवन है एज अ एडजस्टमेंट, तो उसे हम दो जगह शो करेंगे। एक तो हम उसे शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा हम उसे शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। और अगर वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो उसे हम सिर्फ एसेट साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट की ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।